जय श्री मन्नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अधिक मास कब से लग रहा है, अधिक मास का महत्व, अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा किस तरह करें, अधिक मास में क्या करें क्या नहीं करें और अधिक मास में क्या दान करें, अधिक मास में दीप दान का महत्व, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से सुने। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सभी प्रकार की धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। मंगलवार 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। इसे मल मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। अधिक मास की स्वामी भगवान विष्णु हैं। साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह 16 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कौन से कार्य हैं जो अधिक मास में नहीं किए जाएंगे। अज्ञा ध्यान, यज्ञ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य, विशेष दान, महादान, गौदान, व्रत, वेद व्रत, दीक्षा, महोत्सव, व्रतोत्सर्ग, चूड़ा कर्म, देव तीर्थों में गमन, वास्तु कर्म, ऐसे देव और तीर्थ का दर्शन जो पहले न देखे हों, विवाह, किसी कामना के लिए देवता का अभिषेक, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, कुआं तालाब आदि खुदवाना, किसी भी काम्य कार्य का आरंभ, उद्यापन कर्म, महालय, उपाकर्म, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, संन्यास। परंतु स्मृत रत्नावली ग्रंथ में आया है कि जिस काम का प्रारंभ मलमास से पहले हो चुका है उसकी समाप्ति हो सकती है। अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम लोगों को करने चाहिए वो मैं बता रही हूँ। सभी नित्य कर्म, सभी नैमित्तिक कर्म, नित्य दान, मनवाद तिथियों का दान, सभी कार्य जो निष्काम भाव से किए जाएं, वार्षिक श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, प्रेत श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, गज छाया श्राद्ध, ग्रहण स्नान, प्राण घातक रोगादि की निवृत्ति के रुद्रजपादि अनुष्ठान, कपिलष्ठी जैसे अलभ्य योगों के प्रयोग, बुद्धा अष्टमी आदि के प्रयोग, अधिक मास के वर्जित कार्य देखकर लोगों को ऐसा आभास होता है इसमें जप आदि नहीं करने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। शालिग्राम जी का तुलसी दल से पूजन करने का विधान है। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। अधिक मास में जपने योग्य विशेष मंत्र, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम, गोपरूपिणम, गोकुल उत्सव मीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। पुरुषोत्तम महात्म के अनुसार प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान, पूजा, जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। अधिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण का परम फल है। अधिक मास में भगवान विष्णु के 33 नामों को अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अधिक मास महात्म्य में इस मास में किए जाने वाले 3 प्रमुख दान बताए गए हैं। पहला दीप दान, दूसरा मालपुआ दान और तीसरा तांबूल दान। दीप दान, अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान का अत्यधिक महत्व है और यह बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के दरिद्रता दूर करने वाला है। यदि सामर्थ्यवान है तो शुद्ध घी से दीप दान करें, संभव नहीं है तो तिल के तेल से करें।
विधिहीन दीप दान करने से भी मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना। अधिक मास में शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाने का भी विधान है। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब, घर, छत आदि कहीं पर भी दीपदान कर ले। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी स्थान पर भी दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास की दीप दान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास की दीप दान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते। हजारों उपराग, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला के तुल्य नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्रादि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मणों को मालपुओं के दान का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ गुड़ और घी से बनाकर बर्तन सहित घी और स्वर्ण के साथ दान करें। हर एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं मनुष्य उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में वास करता है। इस दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। यदि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन न कर सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को करें। वह भी न कर सके तो किसी भी एक दिन अवश्य करें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 33 वस्तुएं दान करके भगवान विष्णु के 33 नामों का उच्चारण करता है उसको विपुल मात्रा में लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति को तांबूल दान देने का भी महत्व बताया गया है। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इनमें से जो पदार्थ मिल जाए उन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को जो ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। अधिक मास में तांबूल दान देने वाले का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। 3 वर्ष पर मलमास का पर्व आता है जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको अधिक मास कहा गया है। उसके अधिपति श्री भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। महाकाल वन में पुरुषोत्तम धाम नामक उत्तम तीर्थ सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत करें। मध्यान्ह में किया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और देवार्चन अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में मलमास व्रत करते हैं, अवंतीपुरी मीन्स उज्जैन में मलमास व्रत करते हैं, उन्हें श्री भगवान प्रसन्नता पूर्वक धन देते हैं। इस तीर्थ में किया थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। उज्जैन में रहकर अधिक मास में महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग, महादेव, सप्त सागर तथा नौ नारायण के दर्शन कर वहां विशेष दान करने का विशेष महत्व है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को शोक नाशक व्रत करना चाहिए। अधिक मास में एक विशेष पूजा विधि भी बताई गई है जिसमें लक्ष्मी नारायण को श्री सूक्त के मंत्र से गंध युक्त पुष्प अर्पित करना और श्री भगवान के 12 नामों का एक एक करके उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पण करना बताया गया है। विष्णु भगवान के नाम मंत्र मैं बता रही हूँ। कुरमाय सहस्र शिष्य देवाय सहस्त्राश पादाय हरे लक्ष्मीकांताय सुरेश्वराय स्वयंभुवे अमित तेजसे ब्रह्म प्रियाय देवाय ब्रह्म गोत्राय सर्वे नमः।
पुनः लक्ष्मी जी के नामों से पुष्प अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी नमः, कमलाय नमः, श्रीय नमः, पद्मवासाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, क्षीराब्धि तनियाय नमः, इंद्रियाय नमः। आप सभी अधिक मास में अधिक से अधिक दान धर्म का कर्म करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर सकते हैं। बोलो जय श्रीमन्नारायण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन्नारायण जरूर लिखें।